नमस्कार, मैं महागुरु गौरव। पिछले सप्ताह में लोहड़ी और मकर संक्रांति दोनों का पर्व था। आशा करता हूँ आपने इन दोनों दिन दान करके कुछ पुण्य कमाया होगा। जो आपने इस समय दान करते हैं उनका एक विशेष महत्व है, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीक बताया भी था। आप लोगों का पिछला वीक अच्छा रहा होगा, आपने मेरे बताए हुए डिफरेंट राशि के डिफरेंट जातकों ने डिफरेंट तरीके के उपाय किए होंगे, सप्ताह अच्छा गुजरा होगा। इन्हीं आशाओं के साथ हम बात करेंगे आने वाले सप्ताह के बारे में। बात करते हैं मकर राशि के बारे में। मकर राशि का स्वामी है शनि, शुभ्रता है नीलम, शुभ रुद्राक्ष है सातमुखी रुद्राक्ष, शुभ दिशा है पश्चिम की दिशा। इस सप्ताह किस्मत आपका साथ देगी, आपको हर क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना है। निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। छात्रों के लिए सप्ताह अच्छा रहेगा, लगन से मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके साथ रहेगी। वैवाहिक जीवन में आपको प्रेम और रोमांस का मिश्रण देखने को मिल सकता है, परंतु घर में अशांति का वातावरण भी रह सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से सप्ताह अच्छा रहेगा, बीमार लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होगा, परंतु परिवार के किसी सदस्य का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। धार्मिक क्रियाकलापों में आपकी रुचि बढ़ेगी, आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। तो देखा जाए सप्ताह क्या वैसे सप्ताह है, सप्ताह को अच्छा सप्ताह कैसे बना सकते हैं, जानते हैं इसके कुछ उपाय। इस राशि के जातकों को हनुमान जी को मंगल को लड्डू का भोग लगाना शुभकारी रहेगा। भगवान गणेश की नियमित रूप से पूजा करें और दुर्वा और मोदक उनको चढ़ाएं, ये आपके लिए कल्याणकारी साबित होगा। श्री गणपति अथर्वशीर्ष स्रोत का पाठ करना आपके लिए शुभकारी रहेगा। काले कपड़ों में आपको धतूरे की जड़ को गले या हाथ में बांधकर शनिवार के दिन बांधना भी शुभकारी आपके लिए रहेगा। मंगलवार और शनिवार को चमड़े की या लकड़ी की वस्तुएं या किसी भी प्रकार का तेल आपको नहीं खरीदना है। दाढ़ी और बाल नहीं कटाने हैं। किसी दुखी व्यक्ति के आंसू अपने हाथ से पोंछना आपके लिए शुभकारी रहेगा। पीपल के पेड़ पर आपको तिल्ली के तेल का दीपक जलाना शुभकारी रहेगा। नौकरों, वृद्धों और गरीबों का सम्मान करना आपको चाहिए। बंदरों की सेवा करना, केले के पेड़ में दूध चढ़ाना, कुत्ते की सेवा करना, गाय बैल को दूध और चावल खिलाना, अंधे लोगों को भोजन कराना, शराब और मांस मदिरा से आपको दूर रहना है, कुष्ठ रोगों की सेवा करना और शाम को खाने के पश्चात कुत्ते को रोटी देना और सुबह की शुरुआत माता के चरण स्पर्श से करना। ये कुछ उपाय हैं जो इस राशि के जातक यदि करते हैं तो आने वाला सप्ताह एक अच्छा सप्ताह साबित होगा। जैसा कि मैंने ऑल 12 राशि के सभी राशि के कि कैसा बीतेगा आने वाला सप्ताह, क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि आने वाला सप्ताह एक अच्छा सप्ताह साबित हो, ये उपाय बताए, परंतु ये सारे उपाय करना प्रॉबली संभव भी नहीं है। तो जो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है, जैसे कि आपको अपना आचरण, आपको आचार विचार, दूसरे के प्रति आपकी भावना, अपनी आय में से एक पोर्शन निकालकर गरीबों को और ज़रूरतमंदों को दान देना, सात्विक बनना, अध्यात्म की तरफ ज़्यादा फोकस करना, अच्छे ग्रंथों को पढ़ना, माता पिता की सेवा करना, दूसरे बड़े बुजुर्गों की सेवा करना और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिस तरीके से आप तन मन धन से उनकी सेवा कर सकते हैं, यदि उन पर आप फोकस करते हैं तो आने वाला सप्ताह ही नहीं, आने वाले साल, आने वाला पूरा जीवन आपके लिए एक आनंदमय जीवन के रूप में परिवर्तित होगा। ग्रह हैं, सब प्रभाव डालेंगे, डिफरेंट प्लैनेट की महादशा, अंतरदशा, पतंतरदशा आएगी, उनके डिफरेंट नेगेटिव प्लैनेट के कंजंक्शन से जो दोष उत्पन्न होंगे वो भी उत्पन्न होंगे, उनको आप नहीं रोक सकते, बट उनके जो नेगेटिव और मैलेफिक इम्पैक्ट हैं उनको आप अपने आचार विचार और अपने अच्छे आचरण से जरूर खत्म कर सकते हैं। इन्हीं आशा और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आने वाला सप्ताह आप सभी राशि के जातकों के लिए सुखमय व्यतीत हो, मैं महागुरु, नमस्कार।